नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। लाठी डंडे का लगातार अलग अलग जगहों से खबर सामने आई, कई जगह लाठी डंडे, कई जगह मारपीट हंगामा के बीच लगातार मतदान की प्रक्रिया चलती नजर आई। आज यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे दौर का घमासान है, हिंसा हंगामा मारपीट के बीच जबरदस्त वोटिंग की खबरें सामने आई हैं। तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बुलंद आज मतदान किए गए। इस दौर में 20 जिलों की 2,14,000 से अधिक सीटों पर 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान राज्य के 20 जिलों में आपको बता दें मतदान प्रक्रिया चलाई गई। व्यवस्था के बीच वोट भी डाले गए। भारी भीड़ के कारण कोरोना गाइडलाइंस की लगातार लोग धज्जियां उड़ाते नजर आए। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान ने दोपहर आते आते जोर पकड़ लिया। शुरुआती 4 घंटों में औसतन 25 से 30% तक वोट पड़ चुके थे, जो दोपहर 3 बजे तक 35 से 52% तक पहुंच चुके थे। मिर्जापुर के घमाहपुर गांव में कंपोजिट विद्यालय मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग को लेकर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एसडीएम और सीओ की गाड़ी को तोड़ डाला और इतना ही नहीं, दोनों वाहनों के चालक घायल बताए गए। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं बलिया के मनियल ब्लॉक के एलआई संकट पंचायत पर मतदान के दौरान बैलेट पेपर को फाड़ने की खबर सामने आई। बैलेट पेपर लूटने का प्रयास किया गया। फिरोजाबाद में कई जगह हंगामा हुआ। यहां 3 BDC प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह गायब बताए गए। ये नगला प्रदमन पोलिंग सेंटर है, जहां पर ये सूचना मिली थी कि 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में मारपीट हो रही है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस बल, प्रशासनिक अमला सब यहां पे तत्काल पहुंच गए हैं। जानकारी करने पर पता चला है कि एक दुर्वेश पक्ष है, एक रघुनाथ पक्ष है। इन लोगों में शुरुआत में मारपीट तूतू मैं हुई, उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि हवाई फायरिंग भी हुई है और इन लोगों ने बूथ की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने बहादुरी का परिचय देते हुए उन्हें भगा दिया। बूथ और बूथ के अंदर की समस्त चीज़ें सुरक्षित हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अब काफ़ी संख्या में फोर्स मुस्तैद है, मुकदमा दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों से 4-4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। मुकदमा दर्ज करके इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, अभी कोई समस्या नहीं है। ये नगला प्रदमन पोलिंग सेंटर है, जहाँ पर ये सूचना मिली थी कि 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में मारपीट हो रही है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस बल, प्रशासनिक अमला सब यहाँ पे तत्काल पहुँच गए हैं। जानकारी करने पर पता चला है कि एक दुर्वेश पक्ष है, एक 20 जिलों में मतदान के दौरान जबरदस्त बवाल, महिलाएं भी मैदान में। तीसरे दौर में फायरिंग हंगामा और महिलाओं के बीच लाठी डंडे चलते नजर आए। महिलाएं मैदान में उतरकर लाठी डंडे से लड़ती नजर आ रही है। 20 जिलों में मतदान के दौरान जबरदस्त बवाल कराया और महिलाएं भी मैदान में उतरती नजर आई। आज यूपी में पंचायत चुनाव के तीसरे दौर का घमासान है और इस बीच हिंसा हंगामा मारपीट के बीच जबरदस्त वोटिंग की खबरें सामने आई। तीसरे दौर में फायरिंग हंगामा और महिलाओं के बीच लाठी। चलो
दोबारा परिजन लाइस रद्द कर ले। जंप कर ली दोबारा भरी ले दोबारा भाई साहब का अरे समझने के इन्हें फायरिंग बाजी बराबर कर रहे थे बिल्कुल ये खुद अब सी का पड़े भाई यार अब से कार्रवाई होगी दोबारा फिर याद करेंगे बता दीजिए कि साक्षी से जो पब्लिक की इच्छा है बहुत देरी जो भी मेहनत करनी थी उन्होंने कर ली ठीक है अब दबाव वाली मेहनत ना करनी ओके सर ठीक है सर हम लोग दो रूट का ड्यूटी भी लगा रहे हैं हाथों पर व्यवस्था करना से पहले लेना एम डी लेके या सब आपका ठीक है कोई दिक्कत आई नहीं तो ऑफिसर्स को बताएंगे आप लोग मैम थोड़ा स्पीड बनाए रखिएगा इनका यहाँ पे विकास नहीं हो पाता है इनके गांव का तो इस सिचुएशन तो सर मैंने देखा कि ख़राब भी है लेकिन अभी इनकी मांग ये है कि हमारा जब तक अलग नहीं होगी ग्राम पंचायत के दोनों बूथ क्योंकि हम ये अपना प्रधान चाहते हैं तब तक हम वोटिंग नहीं करेंगे ये क्लेम उनको तब करना चाहिए था जब ये सेंटर बना या बूथ बने मैंने कहा इनसे उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी कोई अप्लीकेशन नहीं दी आज ही तो इनके यहाँ से कुछ खड़ा है इलेक्शन में हाँ इनके यहाँ से इलेक्शन में खड़ा है अगर हम करेंगे तो हम सभी में जीतेंगे सभी बहुत सब जाएगा नहीं जीते पोस्टिंग यहीं पर उत्तर में पोस्टिंग विजय कैब बना लो डॉक्टर सर मास्क लगा ले तब ये डिस्टेंस सही है इतना इतना रखिए बढ़िया रहेगा थोड़ी दूरी बना बना के बोलिए थोड़ी दूरी बना के खड़े बोलिए नहीं नहीं चाला घट जाए बीस जिलों में मतदान के दौरान जबरदस्त बवाल देखा मिला आपने फिरोजाबाद की तस्वीरें तो देख ली कि किस तरह बवाल काटा गया अब आपको कासगंज की तस्वीरें दिखाते हैं जहां फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है इस रिपोर्ट के माध्यम से देख लीजिए प्रीतम नगर हरिराम लगा के आए अभी हमारे सारू खुद ही ठाणे थे पोलिंग पर हाँ सारू ठाणे हैं आज वोट डरवाई क्या है देव जीत गए और विनीत हमारे गैस एजेंसी वाले हैं विनीत गंडवाड़ा में एजेंसी है उन्हें के भैया आए ये ठीक है भाई विनीत कौन आज को 40 बार कहीं आ जाओ हमने के आए रहे हैं वोट डरवाई देने अरे आज क्यों खराब अरे ले यार नंबर कॉलिंग तो देख लियो कम से कम ना आए हो नहीं तो तुम पैसा मत अदालत थोड़ी देर रुको पैसा आ रहा हूँ पहले अपने जेब में पैसा रखो ताकि बाद में जल्दी करो जो करने हो तुम पीए वाली बात है पी के काम बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे आई थे समझ लियो बहुत अच्छे और भैया ने फोन कही अब ले विनोद भैया कई दाई फोन आओ ले देख लो बहुत बढ़िया एजेंसी वाले श्रीवास्तव भी की लो देखो जीती कोले उन्हें की है आज ही कोले हैं ये हाँ सब आज की हैं आज की हैं उन्हें देख लो जो पढ़ो लिखो तो देख लो आज की हैं कि नहीं है हाँ आज की हैं
आदमी जब बात मानी अच्छो काम करते अच्छो काम करते सही बताई और और बात चुपाने का तो खुली बाजार कर तो मान लो गाँव को हमने हिंदी फ्री लड़के बात कर पुलिस वाले हमें बुरे गुलाम के लिए कहीं नहीं बुला ले जाओ हाँ पैसा दे आएगा मैं फटाफट और तुम्हारे सामने सामने बात करवा देंगे 600 वोट दिलवा देंगे अकेले और वोट डालेंगे और तुम्हें अंदर ले चलेंगे। प्रधान जी कौन जीतना चाहते हैं? जय जीतना चाहते जय प्रधान है तो कहते अंदर चलो जो अंदर पोलिंग पे बैठा है उसी से बात करवाएंगे और इज्जत के साथ ले जाएगा बिठा के और न बेइज्जती हो तो बात करिए पोलिंग पर हमारे भैया बैठे हैं जो विनोद कुमार बैठे हैं हमारे भाई हैं डिग्री कॉलेज के अधिकारी का हाँ और वो बैठे हैं अंदर उन्हें के तुम बात करो और अपनी बात खड़ी के लिए उन्हें चाहिए 1,00,000 रुपया ठीक 1,00,000 चाहिए जो हमारे संग बंदा आए उन्हें और चाहिए हो तो बात करो और जल्दी चलो तुम्हें अंदर लिवाई चलेंगे। 20 जिलों में मतदान के दौरान जबरदस्त बवाल। कासगंज में भी फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया और सीधा रुक करते हैं कासगंज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल यादव। जी अतुल अभी तक कासगंज से ये मामला सामने आ रहा है वीडियो भी वायरल नजर आई है तो क्या संज्ञान लिया गया है? कासगंज में जनपद में फर्जी वोट डलवाने वाला दलाल चढ़ चुका है जो दलाल वीडियो में 600 वोट डलवाने के नाम पर प्रत्याशी से 2,00,000 रुपए की मांग कर रहा है प्रत्याशी देने के लिए तैयार भी है। दलाल अपने आप को पीटा सिंह अधिकारी पुत्र कुमार श्रीवास्तव को अपना भाई बता रहा है। वही आज कोरोना वायरस के गाइडलाइंस का कितना पालन करते लोग नजर आए हैं मतदान के दौरान? बिल्कुल मैम आपको बता दूं जिस तरह से जो ये कोविड चल रहा है उसके बाद ये जो मतदान है उसको लेकर कहीं कहीं तो लोग सतर्क दिखाई दिए हैं। बट यानी जो भी पोलिंग बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्होंने पूरा उपयोग करवाया है मास्क का और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखा गया है बट जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी धज्जियां उड़ती बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है मैम। अगर बात की जाए वायरल वीडियो की तो इसमें पैसे लेन देन के लगातार विजुअल सामने आ रहे हैं। वहीं कासगंज में पुलिस के हत्थे जो अपराधी चढ़ा है 2,00,000 लेकर सैकड़ों वोट डलवाने का दावा कर रहा है इसके बाद क्या संज्ञान लिया गया? मैम बिल्कुल मैं आपको बता दूं जिस तरह से पुलिस अभी आज जो चुनाव है उसमें व्यस्त है जो ये बताया गया था जो दलाल था वो मंजू देवी पत्नी दया जो प्रत्याशी है मंजू देवी पत्नी दया महेश और भूले उसके लिए आया था और उससे 2,00,000 रुपए लेकर 600 वोट डलवाने की बात कह रहा था। अगर बात की जाए आज के मतदान प्रक्रिया की तो कितने फीसदी मतदान हुए और क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ? क्योंकि कई जगहों से अलग अलग वारदात भी देखने को मिली है कई जगहों हंगामे काटे गए हैं लाठी डंडे भी चले हैं तो क्या कासगंज से कोई मामला सामने आया? बिल्कुल मैम आपको बता दूं जनपद में पड़ने वाली 7 ब्लॉकों में से 423 मतदाता केंद्र थे जिसमें से 421 रह गए दो जगह पर चुनाव नहीं हो हुआ है प्रत्याशियों के खत्म हो जाने के बाद और उसमें अगर बात की जाए 26 अप्रैल को आज जिसमें 11,572 कुल प्रत्याशियों के भाग का फैसला आने वाली 2 मई को होगा जिसको लेकर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने पूर्व तैयारियां कर ली थी चुनाव की निष्पक्ष पूर्व शांति तरीके से मनाने की अपील भी की थी मगर कहीं ना कहीं छोटी से छोटी गलती जिस तरह से कल आज चुनाव हुआ है कल शाम को एक गांव में पटियाली क्षेत्र में जहां ये दलाल पकड़ा गया उससे 2 किलोमीटर दूर पे फायरिंग हुई जिसमें एक प्रत्याशी के समर्थन को गोली मारी गई जिसमें एक की मौत हो गई एक घायल हो जाता है 2 घायल हो जाते हैं एक की मौत हो जाती है उसके बाद भी पुलिस प्रशासन इतना सोया हुआ है कि वहां पर दलाल घूम रहे हैं और खुलेआम बात कर रहे हैं कि हमें 2,00,000 रुपए दीजिए हम आपको 600 वोट देंगे। लगातार फायरिंग की खबरें भी सामने आई और इस बीच लोगों से लगातार मारपीट की खबरें भी सामने आई इस बीच प्रशासन कार्रवाई करता नजर आया या नहीं?
अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो उनमें उत्साह कितना प्रतिशत देखने को मिला मतदान के दौरान? बिल्कुल, अभी तक जो 5 बजे तक का वो आया है उसको मैं आपको बता दूं, हमारे कासगंज जनपद का 5 बजे तक जनपद का मतदान है 65.70. बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अतुल। बता दें कि फिरोजाबाद में ये मामला सामने आया फर्जी वोटिंग का, इसके साथ ही फिरोजाबाद के नगला में मतदान के दौरान सुबह फायरिंग भी हुई थी, पत्थरबाजी भी की गई थी, पीठासीन अधिकारी समेत कई कर्मचारी के वाहन के शीशे तक क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों से अलग अलग खबरें सामने आई, जिसका आपको लगातार एबीसी स्टार न्यूज अवगत करा रहा है। तीसरे दौर में फायरिंग, हंगामा और महिलाओं के बीच लाठियां चलती नजर आई। आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं हुआ। काफी मतदान केंद्रों पर न मास्क की व्यवस्था थी और न सैनिटाइजेशन की। सीधा रुख करते हम सिद्धार्थ नगर की ओर, हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ नगर से ब्रजेश जुड़ चुके हैं। जी ब्रजेश, कितनी प्रतिशत तक मतदान प्रक्रिया संपन्न हो पाई है और क्या शांतिपूर्ण तरीके से सिद्धार्थ नगर में मतदान पूरा हुआ? जी ब्रजेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ब्रजेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपको सिद्धार्थ नगर के बारे में अपडेट जरूर दिलाएंगे। बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आई, तो कई जगहों पे शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान प्रक्रिया थी वह संपन्न कराई गई। केंद्रों पर न मास्क की व्यवस्था थी और न सैनिटाइजेशन की। कुछ केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों की कोविड के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं ज्यादातर जगह कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां तक कि सैकड़ों मतदान केंद्रों पर न सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी न मास्क की। हंगामे से निपटने के लिए प्रशासन ने कई जगह ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दर्जनों मतदान केंद्रों पर मारपीट, हंगामा और चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आई। एबीसी स्टार न्यूज ने दिन भर आपको मतदान का ब्यौरा और ताजा तस्वीरें दिखाई। प्रीतम नगर हरिराम लगा के आए अभी हमारे सारू। प्रीतम नगर हरिराम लगा के आए अभी हमारे सारू खुद ही ठाणे थे पोलिंग पर। हाँ, सारू ठाणे हैं। आज वोट डरवाई क्या है, देव जीत गए और विनीत हमारे गैस एजेंसी वाले हैं, विनीत गंडवाड़ा में एजेंसी है, उन्हीं के भैया आए ये। ठीक, भाई विनीत कौन आज को 40 बार अच्छा कहीं आ जाओ, हमने के आए रहे कब ने वोट डरवाई दे तो कत्तो वे फोन कत्ते ही रहे तू आईने। अरे आके खराब कर, अरे ले यार नंबर कॉलिंग तो देख लियो कम से कम ना ही आए हो नहीं तो तुम पैसा मत अदालत थोड़ी देर रुको, पैसा आ रहा हूं मैं पहले, पैसा भाव करो तब लाएगा, पहले आप अपने जेब में पैसा रखो ताकि बाद में भाव जल्दी करो जो करने हो। बाबूजी अब आज जोतने का काम तो मैं, तुम पीए वाली बात है, पी के काम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आई से समझ लियो ठीक है, बहुत अच्छे। और भैया ने फोन गए, अब ले विनोद भैया कई दाई फोन आओ ले देख लियो भैया ना, बहुत बढ़िया जहां प्रधारी ऑफिसर हैं एजेंसी वाले श्रीवास्तव भी हैं। ले देखो जीती कॉलें उन्हें की हैं, आज ही कॉलें हैं ये। हाँ, सभी आज की हैं, आज की हैं,
और ना देख लो जो पढ़ो लिखो तो देख लो आज की है कि नहीं है। हाँ आज की है। ठीक है सही 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 ये बहु आदमी जब बात मानेगा अच्छा काम करता अच्छा काम करता सही बताई तो। पंचायत चुनाव का तीसरा दौर 20 जिलों में वोटिंग और इस प्रक्रिया के दौरान हंगामा कई जगहों से लाठी डंडे इसके बावजूद भी मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। फिरोजाबाद से खबर सामने आई है जहां मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। फिरोजाबाद में मत पेटी को पानी में फेंक दिया गया। जी हां मत पेटी को लूट लिया गया उसके बाद पानी में फेंक दिया गया। अब विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यह अपराध किया गया। मत पेटी को लूटने के बाद पानी में फेंक दिया गया। थाना खैरगढ़ की यह पूरी घटना है जहां मत पेटी लूटकर सारे मतपत्र पानी में बहा दिए गए। फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान मत पेटी लूटी गई और इतना ही नहीं उसे पानी में बहा दिया गया। लूटने की वारदात सामने आई है। ये अघन्य अपराध किया गया जहां कई लोग भी घायल नजर आए थे। वही कई राउंड फायरिंग की खबर भी सामने आई थी जिसके बाद मत पेटी लूट ली गई और मत पेटी लूटने के बाद पानी में बहा दी गई। सारे मतपत्र पानी में बहते नजर आ रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग एकत्रित होकर मत पेटी को देख रहे हैं। सारे मतपत्र पानी में बिखरे नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे दौर का घमासान यूपी के 20 जिलों में मतदान और इस दौरान फिरोजाबाद से ये खबर सामने आई जहां मतपेटी को लूट लिया गया और उसके बाद पानी में बहा दिया गया। इतना ही नहीं मतपेटी के सारे मतपत्र पानी में बहते नजर आए। वादा सामने आई है पहले गोलीबारी उसके बाद मारपीट और उसके बाद अलग अलग खबरों के बाद अब मत पेटी को लूट लिया गया और उसके बाद पानी में बहा दिया गया। फिरोजाबाद के टुंडला में चुनाव बहिष्कार भी किया गया। वहीं फिरोजाबाद के नगला प्रमुन में मतदान के दौरान सुबह से ही फायरिंग हुई और पथराव भी किए गए। पीठासीन अधिकारी समेत कई कर्मचारी के वाहन के कार के शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। पुलिस को लाठी डंडी चलानी पड़ी और इतना ही नहीं कई राउंड फायरिंग की सूचना भी सामने आई। इसके बाद अब फिरोजाबाद में मत पेटी को लूट लिया गया और इतना ही नहीं मत पेटी को लूट दिया गया। पंचायत चुनाव के तीसरे दौर में लगातार अलग अलग जगहों से एबी स्टार ने आपको अवगत कराया। हर जगह के उतार चढ़ाव के बारे में हमने आपको अवगत कराया। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।